नक्शावाला से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज। पहलवानों के शहर में मैदान सज गया, कारकुन पहुंच गए भरपूर जोश और खरोश। कायदीन और रहनुमाओं की आवत का सिलसिला जारी। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी कुछ देर में जलसागाह पहुंचाएंगे। पार्टी नगमों से कारकुनों का खून गरमाया जाने लगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आवाम का समंदर सिलेक्टेड को जवाब देगा। काफी कुर्बानियां दे दी, अब हमारे खून के साथ इंसाफ करना होगा। अब कठपुतली, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत को जाना होगा। एक जलसा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इमरान खान की बौखलाहट सबके सामने है। आवाम गुलाम नहीं, आजाद है। गैर जमहूरी कोशिशें आज भी जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज कहती है, जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत हो चुकी। गुज़दिल हुकूमत को अगर यकीन है कि जिना स्टेडियम भर नहीं पाएगा तो फिर रास्ते क्यों ब्लॉक किए? जितनी आवाम स्टेडियम के अंदर होगी उससे 3 गुना स्टेडियम के बाहर मौजूद होगी। हुक्मरान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं लेकिन हम दे नहीं रहे। मौलाना फजल रहमान के हुकूमत पर जवाबी वार, पार्लियामेंट को नाजायज करार दे दिया। कहा मौजूदा पार्लियामेंट मुंतखब नहीं, बात अब इन हाउस तब्दीली से आगे निकल गई है। मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। डाकुओं को एनआरओ देने से जिंदगी आसान लेकिन ये तबाही का रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाज़ेह पैगाम, कहते हैं वो दुरुस्त सम्त में जा रहा है। मुश्किल फैसले ही आपको आगे ले जाते हैं। सारे डाकू शोर मचाते हैं, ऑपोजिशन को माफ कर दो तो मेरे 5 साल आसानी से गुजर जाएंगे। और शिबली फराज कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ सारे करप्ट इकट्ठे हो गए। जिना स्टेडियम भर ना सके, आधा जलसा का स्टेज बना दिया। जलसे के शुरका को रोमाल भी दिए जाए ताकि एक दूसरे से मुंह छुपा सके। करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं एहसान राणा। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।